वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जो एसबीआई क्लर्क के लिए इंतजार कर रहे थे, उन एसबीआई क्लर्क 2018 की वैकेंसी आ चुकी है। 8301 वैकेंसी है, 8301 वैकेंसी है एसबीआई क्लर्क 2018 में, जिसको जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कस्टमर सपोर्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट है, और इसको क्लरिकल पोस्ट ही कहते हैं। तो नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे लिंक, तो उसमें क्लरिकल लिखा हुआ है ऊपर में। और ये पूरा एसबीआई क्लर्क 2018 की वैकेंसी है, 8301 की। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या योग्यता होगी, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एज एज क्या क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। और एग्ज़ाम इसके कब कब होंगे, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क 2018 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। आप सभी को पता है 20 जनवरी 2018 से इसका जो है लिंक स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने का, ठीक है। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप पूरी डिटेल में चेक कर सकेंगे कब क्या है। एसबीआई क्लर्क 2018 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा कब, 10 फरवरी 2018 को, ठीक है। 10 फरवरी जो है वो अंतिम तिथि होगी, और ये शुरुआत की तिथि है, यानी शुरू हो चुका है, और अंतिम तिथि 10 फरवरी। एसबीआई क्लर्क 2018 प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है वो मार्च अप्रैल में संभावित है, टेंटेटिव डेट होता है। तो मार्च अप्रैल 2018 में ये एसबीआई का प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद क्लर्क 2018 का जो मेंस का एग्जाम है वो 12 मई 2018 को होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरह के सिलेबस होते हैं, और क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है इस बार चेंज हुआ है तो कैसा, आइए देखते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसको डिग्री बोलते हैं। तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 1 जनवरी 2018 तक, ठीक है। अगर किसी का 1 जनवरी तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है तो वो प्लीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जिनका रिजल्ट 1 जनवरी 2018 तक आ गया, यानी इस बार जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी तक तो पॉसिबल ही नहीं है रिजल्ट आने का, रिजल्ट 1 जनवरी तो ख़त्म हो चुकी है। तो जो इस बार अपियर्ड हैं, अपियरिंग कैंडिडेट हैं, वो नहीं भर पाएंगे। उसके बाद देखिए, 21 से 28 साल तक की उम्र होनी चाहिए, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2018 को ही ये 21 साल से 28 साल के बीच होने चाहिए। यानी कैंडिडेट जो है 2 जनवरी 1990 से पहले के जन्मतिथि उनकी नहीं होनी चाहिए, और 1 जनवरी 1998 के बाद की जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए। 2 जनवरी को अगर किसी की है तो वो शामिल हो सकता है, 1 जनवरी 1998 को अगर किसी की है तो वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन 2 जनवरी से पहले, यानी अगर किसी की 1190 है तो वो शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ फेजेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें कितने फेज में एग्जाम होगा, 3 प्रोसेस में एग्जाम होगा। पहला फेज वन है, जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। पैटर्न चेंज हुआ है, मैं आगे बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पैटर्न चेंज हुआ है प्रीलिम्स का। उसके बाद फेज टू में है, जो कि मेंस एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, इस पे मेरिट बनेगी, मेरिट जो है वो इसी एग्जाम के बेस पे बनेगी। उसके बाद फेज थ्री लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट सिर्फ उन्हीं का होगा जो पर्टिकुलर, जैसे आप अगर नॉर्थ रीजन के लिए भरते हैं और वहाँ पर हिंदी है, तो हिंदी में अगर आपने क्लास 10th या 12th में आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको ये टेस्ट नहीं देना है। अगर आपके सर्टिफिकेट में है, 10th की मार्कशीट में हिंदी आपको है तो ठीक है, अगर आप कहीं का इंग्लिश का दे रहे हैं तो ठीक है, अगर इंग्लिश आपने 10th लेवल पे पढ़ी है और आपकी सर्टिफिकेट में इंग्लिश है उसके मार्कशीट में, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जैसे बंगाली किसी ने नहीं पढ़ा और वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई करते हैं, उनको आती है लैंग्वेज, लेकिन उनको टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आगे देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रीलिम्स का जो पेपर है वो किस तरह का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स होगा। क्वांटिटेटिव एटीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होगा। ये मैथ्स हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और टोटल टाइम जो इसमें मिलेगा 60 मिनट मिलेगा, और 20 मिनट याद रखिएगा, इसमें हर एक सेक्शन में 20 मिनट, ये जो चेंज हुआ है पैटर्न जो मैं बताने वाला था, हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट डिफाइन किया गया, यानी आप इंग्लिश में 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं बिता सकते, ऑटोमेटिक वो दूसरे सेक्शन में स्विच कर जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आप 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं बिता सकते, काफ़ी कम समय है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से आप कर सकते हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन के लिए भी टाइम जो 20 मिनट है वो कम है। इंग्लिश में थोड़ा सा जो 20 मिनट दिया गया है वो वहाँ पर ये भी थोड़ा सा कम है, लेकिन 30 क्वेश्चन 20 मिनट में कर सकते हैं जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी ठीक है, ठीक है। तो वो समय तो वहाँ बर्बाद हो जाएगा, किसी का अगर समय बचता है तो वो बर्बाद ही हो जाएगा, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे सेक्शनल में, क्योंकि हर सेक्शन में 20 मिनट टाइम दिया हुआ है, सेक्शनल टाइम जो दिया हुआ है। और निगेटिव जो है 1/4 निगेटिव मार्क्स होगा, ठीक है। टोटल ये 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप लोग को बता दिया मैंने, 100 इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो नंबर आएगा
ये कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि आपको कितना नंबर लाना है ताकि आप पास हो जाओगे सेकंड जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए। ये डिपेंड करता है 10 गुना जो वैकेंसी है उसका, 10 गुना, ठीक है, 10 गुना वैकेंसी का 10 टाइम्स जो है वो आपको सिलेक्शन करके वो मेंस के लिए सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट को। सपोज अब 8 8 हज़ार वैकेंसी है तो 80 हज़ार कैंडिडेट को वो मेंस के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से 83 हज़ार को लगभग करेंगे क्योंकि 8301 वैकेंसी है, तो 83 हज़ार को सेलेक्ट करेंगे। एंड उनमें से फिर जो भी कट ऑफ बनता है वो कट ऑफ बैंक डिसाइड करेगा, SBI डिसाइड करेगा, ठीक है। देखिए रीजनिंग, अब मेंस एग्जाम जो होगा, जो जो लोग 83 हज़ार कैंडिडेट जो पास करेंगे उनको लिए, उनके लिए जो मेंस एग्जाम होगा वो कैसा होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, 50 क्वेश्चन का 60 मार्क्स होगा, जिसमें टाइम, इसमें भी टाइम डिफाइन है सेक्शनल, ठीक है, 45 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन रीजनिंग और कंप्यूटर के करने हैं। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन है जो 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, इसको भी 45 मिनट में डिफाइन किया गया है कि 45 मिनट के अंदर आपको ये करना है, उससे ज़्यादा समय आप नहीं ले सकते। उसके बाद जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस या फिनेंशियल के क्वेश्चन, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का होगा, 35 मिनट इसमें भी डिसाइड किया हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ है, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए कि हर सेक्शन वाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए किसी का भी और उसको टाइम टू टाइम करने की कोशिश कीजिए कि 35 मिनट के अंदर आपको जनरल इंग्लिश है वो सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है। तो ये बहुत फायदे की भी बात है और थोड़ा बहुत नुकसान की भी है जिनको प्रैक्टिस नहीं है, जिनको पहले से प्रैक्टिस है कि वो टाइम, ईच टाइम अपना डिफाइन कर लेते हैं कि ईच सेक्शन पे मुझे इतना टाइम देना है, उनके लिए बेनिफिशियल है। क्वेश्चन देखिए 190 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन नहीं है, 190 क्वेश्चन है, टोटल टाइम जो है वो 3 घंटा है, टोटल मार्क्स जो है वो 200 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको 50 क्वेश्चन के 60 मार्क्स हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर। तो आप कोशिश कीजिए कि जो है रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन वाला जो क्वेश्चन है इसको ज़्यादा किया जाए ताकि जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा मिल सके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, 50 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है इसीलिए इसमें टाइमिंग भी ज़्यादा दी गई है। तो इस सेक्शन पर अच्छी पकड़ बना लीजिए ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिले। अब पेनल्टी है 1/4 निगेटिव मार्किंग, पहले की तरह, हमेशा की तरह। देखिए नो लोकल लैंग्वेज टेस्ट, ये बता चुका हूँ मैं, 10th 12th पर आपने अगर पढ़ा है तो लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपने जैसे बंगाली के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको बंगाली का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने 10th और 12th में आपने बंगाली नहीं पढ़ी है, तमिल, आपने तमिल भाषा में चूज़ किया है, आप तमिल एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जिस स्टेट के लिए, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो पूरे शीट में डिफाइन की हुई है रिक्रूटमेंट के लिए, तो नोटिफिकेशन नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस स्टेट में। तो आपको अगर लोकल लैंग्वेज आती है तो ही आप वहाँ का भरें, अगर नहीं आती है तो ना भरें फॉर्म। और जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है और आपने वहाँ के 10th बेसिस पर आपने पढ़ाई की हुई है तो उसी स्टेट का फॉर्म भरें, ठीक है। जैसे आपको हिंदी आती है तो आप नॉर्थ एरिया का भरें, जैसे दिल्ली है, यूपी है, इन सब में हिंदी बोली जाती है, बिहार है तो, और कोलकाता है तो बंगाली बोली जाती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है एप्लीकेशन फ़ीस, तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 600 रुपये है और OBC के लिए भी 600 रुपये है, बाकी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट जो OBC और जनरल कैंडिडेट है इसमें मेल और फीमेल सारे इंक्लूड, यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है, और SC ST OBC SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन जो है इनके लिए 100 रुपये है, ठीक है। तो ये थी रिक्रूटमेंट के बारे में नोटिफिकेशन। आपको अगर आप सब कुछ हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए, एंड जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ डिटेल देखिए, सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑनलाइन लिंक भी हमने प्रोवाइड करा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।